10 माह के मासूम को सर्दी खांसी के उपचार कराने परिजन अस्पताल पहुंचे, लेकिन अस्पताल के 9 सीखियों ने मासूम को हाई डोज दिया, जिससे मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों ने घटना की लिखित शिकायत भिलाई 3 थाने में देकर सिद्धि विनायक अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से बच्चे की मौत होने का आरोप लगाया था। शिकायत की जांच के बाद पुलिस ने देवबलोदा निवासी शिवांश वर्मा की मौत के लिए अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही पाए जाने पर अस्पताल के 3 डॉक्टरों और 4 पैरामेडिकल कर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बच्चे के पिता ने बताया कि अपने बेटे शिवांश वर्मा को सर्दी खांसी की शिकायत पर सिरसा गेट भिलाई 3 में स्थित सिद्धि विनायक अस्पताल में उपचार के लिए 27 अक्टूबर को दाखिल कराया गया था। बच्चे को डॉक्टर एसआर प्रसाद ने चेक किया था। उन्होंने परिजनों को बताया कि उसकी सांस ज्यादा तेज चल रही है, उसे अस्पताल में दाखिल करने की सलाह दी गई थी। शिवांश की तबीयत बिगड़ने पर उसे आईसीयू रूम में शिफ्ट किया गया, पर वहीं दूसरे दिन बच्चे का एक्सरे भी कराया गया। डॉक्टरों ने परिजनों को यही बताया कि बच्चे के फेफड़े में कफ जम गया है, उपचार के बाद सुधार होने की बातें कही गई थी। 31 अक्टूबर को अस्पताल में डॉक्टर नहीं थे, नर्स हाई डोज इंजेक्शन लगाने से बच्चे की मौत हो गई थी। शिवांश वर्मा के उपचार के दौरान मौत के मामले में शिकायत के बाद सीएमएचओ ने जांच करने टीम बनाई थी, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के सीनियर डॉक्टरों को शामिल किया गया था। भैया बताएंगे जो आपके बच्चे के साथ घटना हुई है, कब की घटना है और क्या क्या था उसमें, पूरी बात बताएंगे। मेरा नाम डीके वर्मा है और मैं देवलोदा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरा बच्चा शिवांश वर्मा, जिसको सर्दी खांसी के नाम पे मैं चेकअप के लिए लेकर गया था सिद्धि विनायक अस्पताल भिलाई 3 सिरसा गेट पे, जहाँ नॉर्मल चेकअप के बाद डॉक्टर समित राज प्रसाद, जो जिला अस्पताल दुर्ग के सरकारी डॉक्टर हैं, वे चेक करके बोले कि बच्चे को श्वास में प्रॉब्लम है, इसलिए उनको आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा और ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा, जिसके कारण हमने तुरंत भर्ती कर दिया। जिसके पश्चात बच्चे को दूसरे दिन एक्सरे के लिए लेकर गए, 28 अक्टूबर को एक्सरे के लिए लाइफ केयर अस्पताल लेकर गए। वहाँ उसका एक्सरे के बाद जब फिल्म देखकर शाम को डॉक्टर समित राज प्रसाद बोले बच्चे के फेफड़े में कफ है, ये 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा, आपको बच्चे को अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक हो जाएगा, ऐसा बोले। उसके पश्चात 29, 30 और 31 अक्टूबर 3 दिन डॉक्टर समित राज प्रसाद बच्चे को देखने के लिए आईसीयू रूम में आए ही नहीं। और शाम को 31 अक्टूबर को शाम को जब ड्यूटी डॉक्टर राउंड पर आए, उन्होंने बच्चे को देखा तो कहा 2 दिन में बच्चे को डिस्चार्ज कर देंगे, बच्चा बढ़िया खेल रहा है, बच्चा स्वस्थ है, अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, एक हल्का सा बुखार आ रहा है, बस उसी के लिए मैं एक दवाई चेंज कर रहा हूँ। और उस दवाई को नर्स ने जैसे ही लगाया, नस के माध्यम से उनको लगाया और बच्चे को तुरंत, बच्चा माँ की गोद में था, तुरंत बच्चा जोर से छटपटाया, आँख खोला, उसके बाद आँख बंद ही नहीं किया और बच्चा में कोई हलचल नहीं। बच्चे की माँ तुरंत चीखी, नर्स दौड़ी और ड्यूटी डॉक्टर को भी बुलाई, ड्यूटी डॉक्टर तुरंत आए, बच्चे की माँ को बोले आप बाहर बैठिए, हम बच्चे को देख रहे हैं, ऐसा बोलकर, वो बच्चा स्वस्थ है बोलकर उन्होंने बाहर भेज दिया। उसके बाद बच्चे की माँ ने तुरंत हम सभी को फ़ोन करके रोते हुए बुलाई, हम तुरंत दौड़कर वहाँ पहुँचे, उसके बाद हम सभी रोते रहे, हमने पूछा बच्चे को क्या हुआ है, तो नर्स लोग जो बाहर आकर इधर उधर जा रहे थे वो बोल रहे थे कि बच्चा ठीक है, बच्चे को डॉक्टर देख रहे हैं, आप लोग फिक्र मत करो। हमने फिर भी कहा कि कम से कम बच्चे को एक बार दिखा दीजिए, हमें संतुष्टि मिलेगा कि बच्चा ठीक है। हम जब बच्चे को हमें 3 घंटे बाद दिखाया, बहुत बोलने के बाद, तो बच्चे को अंदर वेंटिलेटर में रखे हैं बोलकर दिखाया, उसमें पंपिंग कर रहे थे, केवल पंपिंग, उसमें पंपिंग के माध्यम से बच्चा हिल रहा था, तो हमें ये बताया जा रहा था कि बच्चा श्वास नहीं ले पा रहा है, इसलिए हम उन्हें श्वास लेने में सपोर्ट कर रहे हैं। भिलाई 3 थाना प्रभारी मनीष शर्मा ने बताया कि टीम ने जांच करने पर पाया कि अस्पताल प्रबंधक के चिकित्सक डॉक्टर समित राज प्रसाद, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा सोनी, डॉक्टर हरिराम यदू, डॉक्टर गिरीश साहू, पैरामेडिकल स्टाफ कुमारी विभा साहू, आरती साहू, कुमारी निर्मला यादव ने शिवांश वर्मा के उपचार में लापरवाही बरती है, इनके खिलाफ पुलिस ने अपराध कायम किया है। पुरानी भिलाई अंतर्गत सिद्धि विनायक हॉस्पिटल बच्चों का हॉस्पिटल है, जहां पर 27 तारीख को एक बच्चे को ट्रीटमेंट के लिए भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान 31 तारीख को
उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु पश्चात जो है पंचनामा, सौ पंचनामा किया गया बच्चे का।